वैसे तो पैसे कमाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन मेरे साथ ऐसे दो इंसान खड़े हैं जो आपको आसानी से पैसे कमाने का तरीका बता सकते हैं। आयुष्मान, हेलो, कैसे हैं आप? लेकिन पैसे कमाने का ये तरीका सिर्फ नहीं है, ये इट्स आल्सो फॉर altruistic reasons, मतलब आप एज अ डोनेशन एंड फॉर अ कॉज कर भी सकते हैं ये। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पर्म डोनेशन। प्रोमोस में आपके स्पर्म काउंट का देख रहे हैं तो काफी बिगड़ा हुआ लग रहा है हमें तो। आई मीन बच्चे देखो, लड़के भी बोले जा रहे हैं बच्चे लोग। आयुष्मान बहुत ही टैलेंटेड है, बिगड़ा हुआ नहीं है, स्पर्म काउंट इज वेरी वेरी हाई और हमने ये सब रिसर्च करके इसको कास्टिंग में कंप्लीटली रिसर्च दिस। बट हमने सुना है बच्चे मम्मी पापा कहने के बाद आई मीन बजाय कोई छोरी बोले जा रहे हैं। जी, आई थिंक दैट्स अ फन पार्ट ऑफ द फिल्म। अब देखिए, अगर आप जब पूरा डायलॉग देखेंगे तो वो मेरे स्पर्म से नहीं थे वो बच्चे जो वो गालियाँ दे रहे हैं, वो किसी और स्पर्म से पैदा हुए थे। दैट वो अनु कपूर तो कंप्लेन करते हैं। यू हैव टू सी द फिल्म फॉर दैट। ओके, कैसा रहा एक्सपीरियंस? आई मीन बहुत जो हम प्रोमो देख रहे थे ऑनलाइन, हंस हंस के लोटपोट हो गए, आप बताइए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, इनफैक्ट हम भी हंस हंस के लोटपोट हो गए जब फिल्म शूट कर रहे थे। इट वॉज गुड फन। आई थिंक अनु कपूर इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, 30 साल से इंडस्ट्री में है, मेरी उम्र भी 30 नहीं है तो इसलिए मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। गॉड फादर नहीं है जॉन अब्राहम के बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, ये गॉड ब्रदर तो यार आप गॉड ब्रदर से पूछ सकते हैं। आई थिंक इट्स एन एक्सपेरिमेंटल स्टार्ट फॉर हिम, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है कि एंड लाइक ही सेड कि उसका कोई इंडस्ट्री में कोई नहीं है। मेरी जब ये शुरुआत हुई थी उस टाइम पे, आई स्टार्टेड विद द फिल्म कॉल्ड जिस्म, जो उस ज़माने में बहुत एक्सपेरिमेंटल, आई थिंक इट वॉज कंसिडर्ड अ वेरी एक्सपेरिमेंटल फिल्म, आई डोंट नो। तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट। और इसके बाद आयुष्मान इज गोइंग टू, जब भी आप उनको स्क्रीन पे देखोगे यू विल रियलाइज दैट दिस गाय कैन कैरी ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ही इज सुपर्ब। जॉन, स्पर्म डोनेशन या ऐसे सब्जेक्ट की बात करें तो लोग थोड़ा शाई फील करते हैं, आई मीन सबके सामने खुल के बात नहीं करते। ऑडियंस को बता दो, नथिंग टू फील शाई अबाउट स्पर्म डोनेशन। और हिंदुस्तान में 1982 से 2002 तक आई थिंक द नंबर ऑफ चाइल्डलेस कपल्स इज गॉन अप बाई 50%। तो स्पर्म डोनेशन एक सोशल कॉज है और उसमें उसके बारे में बात करने whatever, I mean, ये taboo का जो word हम इस्तेमाल करते हैं, I think it's not taboo anymore. आयुष्मान, how was the whole experience like test करके and all? बहुत सारे medical test से जाना पड़ा था आपको? Wonderful experience. सिर्फ sperm count test की बात कर रहे हैं, एक valid, authentic sperm donor हूँ मैं, क्योंकि 2004 में मैं sperm donate किए थे और मैं sample select हो चुका था। I don't drink, I don't smoke, I'm a teetotaler, so definitely मेरा sperm count काफी high है। John, as an actor आपने कई comedy फिल्मों में काम किया है, but किस तरह से इस फिल्म को आप अलग करेंगे as producer? Well, I think the topic is very unique, so I think there's nothing much that you can do differently. Sirf media innovations ke saath hum kuch alag kar sakte, which we are planning now, starting post Houseful 2 release. Okay. April 6th tak it will be difficult to do much promotion because of Houseful. Lekin uske baad, we are going in full gear and making sure that we come out there with a great marketing strategy. Thank you so much and all the best, both of you. Thank you. Thank you.